हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग? बढ़िया से चल रही है पढ़ाई? वेरी गुड। आप लोगों को मन लगाकर पढ़ना है और जो भी होमवर्क आपको मिल रहा है वो आपको पूरा भी करना है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर होमवर्क नहीं करेंगे देन डेफिनेटली यू विल नॉट मेक द प्रॉपर रिविजन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द गिवन वर्क ऑल्सो। तो आपने गिवन वर्क जो भी मैंने वर्क दिया था लास्ट वीडियो में उसे पूरा किया है ना? वेरी गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू कम्प्लीट द पोएम अमांडा। इन लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी टॉट द थ्री स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। टुडे आई विल कम्प्लीट द रेस्ट ऑफ द पोएम ऑल्सो। विच पोएम? अमांडा, विच इज कम्पोज बाय रॉबिन क्लेन। किसने लिखी है ये पोएम, किसने कम्पोज की है ये पोएम? रॉबिन क्लेन। तो आज हम इसका रेस्ट पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिवीजन आपको याद आ जाना चाहिए। सो लेट्स हैव अ रिवीजन ऑफ दिस पोएम फर्स्ट। अमांडा जो कि एक छोटी सी बच्ची है, हु वॉन्ट्स टू लिव विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि अमांडा डोंट डू दिस, अमांडा डोंट डू दिस, अमांडा ऐसे मत बैठो, अमांडा इधर मत बैठो, अमांडा अपना कमरा साफ करो, अमांडा अपने शूज साफ करो। तो वो इन सारे इंस्ट्रक्शंस को और इन सारे क्वेश्चन से कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, वो परेशान हो जाती है। और व्हाट शी फील कि वो अकेले रहना चाहती है, ठीक है ना? वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके साथ कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगे। और वो किसकी तरह से एक मरमेड जैसे, बिल्कुल मरमेड, एक मैंने आपको कल बताया था कि ये एक इमेजिनेटिव सी क्रिएचर है जो काल्पनिक, ऐसा कुछ है नहीं, जिसका फेस जो है एक वुमेन की तरह होता है और उसकी बॉडी फिश की तरह से होती है। तो उस इमेजिनेटिव कैरेक्टर की तरह, क्योंकि उसे बहुत सारी फिक्शनल स्टोरीज में, फेरी टेल्स में वो यूज होता है, यूज हुआ हुआ है ये कैरेक्टर। तो उस कैरेक्टर के बारे में हमेशा ये है कि वो फ्रीली लिव करती है, अपना ड्रिफ्ट करती है सी में, काम सी में, जहाँ पे कोई उसे रोकने वाला नहीं है, वो बिल्कुल स्वतंत्र रहती है। तो वो भी अपनी लाइफ कैसे ही चाहती है कि उसकी लाइफ भी एक मरमेड की तरह से हो, जल परी की तरह से हो। आगे इस पोएम को कंटिन्यू करते हुए पोएट क्या कहते हैं, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। बेटा सबसे पहले नोटिस करेंगे यहाँ पे वंस अगेन दिस पोएम इज बिगनिंग विद दिस स्टेटमेंट, दिस लाइन इज बिगनिंग विद द ब्रैकेट। कल हमने पढ़ाया था, कहाँ पे एंड किया था, कि अमांडा की मदर कह रही है कि मैंने तुमसे शायद तुम्हें शूज पॉलिश करने के लिए कहा था, तुमने अभी तक शूज पॉलिश नहीं किए, अपना होमवर्क नहीं किया, अपना रूम क्लीन अप नहीं किया। तो यानी कि ये सारे क्वेश्चन उसकी मदर ने उसे जब किया तो वो अपने ख्याल में है। ब्रैकेट का मतलब कि दो फिजिकली वहां पे वो प्रेजेंट है अपने घर पे, लेकिन वो मेंटली कहीं और सोच रही है, जबकि उसके पेरेंट्स, उसकी मदर उसको डांट रही है, उसको कह रही है ये करो वो करो, मगर वो अपने ख्याल में खोई हुई है। तो ये फ्रेज जो, ये सेंटेंस है जो किसमें लिखा हुआ है, ब्रैकेट में, वो उसके इमेजिनरी पार्ट जिसमें वो मेंटली बिल्कुल इन्वॉल्व है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो व्हाट इज देयर, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अब ऑर्फन किसे कहते हैं बेटा, जिसके पेरेंट्स ना हो, जिनके माँ बाप नहीं हो। तो वो क्या चाहती है बच्ची, कि वो कल्पना कर रही है कि वो एक ऑर्फन है, ऑर्फन यानी कि उसके माँ बाप नहीं है और वो बिल्कुल फ्री है, माँ बाप नहीं है यानी उसे कोई कहने वाला नहीं है, उसे कोई सही गलत बताने वाला नहीं है और वो अपनी मर्जी से घूम रही है। इट मीन्स देयर इज नो वन टू कंट्रोल एंड चेक हर एक्शंस, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, शी इज जस्ट डूइंग एंड बिहेविंग अकॉर्डिंग टू हर ओन विल। सो शी वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ ऑर्फन, दैट्स वाई शी इज इमेजिंग लाइक दैट एंड शी इज फीलिंग दैट शी इज रोमिंग हेयर एंड देयर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी कंट्रोल, नो बडी इज आस्किंग हर टू डू दिस डू दिस और वॉट एवर शी इज लाइकिंग टू डू शी इज डूइंग लाइक दैट। सो आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट। अब यहाँ पे अमांडा क्या कह रही है, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं वो जब सड़क पे चलते हैं या कहीं पे बहुत सारी रेत या मिट्टी है तो वो अपने पैर से मिट्टी को उड़ाते हुए
ठीक है ना। तो यहाँ पे वो भी क्या इमेजिन कर रही है कि मैं बिल्कुल जो डस्ट पड़ी हुई है उसमें अपने पैर से उसे खुश करते हुए, उसे उड़ाते हुए नंगे पैर इधर से उधर घूम रही हूँ। आप अपने घर में नंगे पैर घूमते हैं, आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं कि बेटा चप्पल पहनो आपके पैर गंदे हो जाएंगे। आप अगर मिट्टी उड़ाते हैं पैर से या कुछ शरारत करते हैं तो आपको डांटा जाता है, समझाया जाता है। बट यहाँ मांडा क्या चाह रही है कि उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो इमेजिन कर रही है। एंड शी इज जस्ट रोमिंग हेयर एंड देयर लाइक एन ऑर्फन, एक ऑर्फन की तरह वो इधर उधर घूम रही है। ये उसकी इमेजिनेशन है। और ये इमेजिनेशन क्यों है? क्योंकि उसे रेस्ट्रिक्शंस, इतने सारे क्वेश्चंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जबकि ये पेरेंट्स रेस्ट्रिक्शंस और इंस्ट्रक्शंस क्यों देते हैं? ताकि हमारे बच्चे डिसिप्लिन हो सकें, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो सकें, उनके अंदर गुड मैनर्स आ सकें। लेकिन यहाँ पर अमांडा जो है इन रेस्ट्रिक्शन से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। मे बी दैट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय हर पेरेंट्स अगेन एंड अगेन, दैट्स व्हाई शी इज फ्रस्ट्रेटेड। क्योंकि बेटा हर बच्चे को डील करने का तरीका अलग होता है। कभी कभी बच्चा फ्रस्ट्रेट होने लगता है जब आप उससे बार बार किसी चीज के लिए कहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उसको डील करना, उसको हैंडल करना एक अलग से ही आर्ट है और टेक्निक है जो कि हर पेरेंट्स में होनी चाहिए, तभी वो एक गुड पेरेंटिंग अपने बच्चे की कर पाएंगे। अदरवाइज दे आर गोइंग टू फेल एज अ पेरेंट। तो एक अच्छे पेरेंट्स होने के नाते अपने अंदर गुड पेरेंटिंग स्किल्स डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। तो शायद उसके पेरेंट्स इस तरह से उसको ब्रिंग अप करने में फेल हो रहे हैं, उसकी अपब्रिंगिंग में फेल हो रहे हैं, दैट्स व्हाई शी इज गेटिंग इरिटेटेड। सी अहे नाउ द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, व्हाट शी इज सेइंग कि द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट, कि चुपचाप रहना, मतलब बार बार किसी चीज के लिए रोकना टोकना नहीं। साइलेंस क्या है? अपने आप में गोल्डन, और फ्रीडम है स्वीट, यानी कि जो भी वो करना चाहती है उस काम को करने की आजादी मिलना, वो अपने आप में एक स्वीट फ्रूट की तरह से है। स्वीट यानी कि बहुत आनंद देने वाला है, उसमें वो बहुत अच्छा फील करती है, गुड फील करती है। सो व्हाट शी इज फीलिंग दैट शी वॉन्ट्स टू हैव साइलेंस इन हर लाइफ एज वेल एज वॉन्ट टू free freedom in her life, which freedom? To do anything which she wants. Now see, again there is her mother's entries here. What she is saying, don't eat that chocolate Amanda, Amanda chocolates mat khao. आपने भी देखा होगा जब आप chocolates खाते हो या बाजार की चीजें खाते हो तो आपके parents आपको मना करते हैं that don't eat this, ये chocolate नहीं खाओ, ये कुरकुरे नहीं खाओ। क्यों? क्योंकि वो हमें नुकसान करेंगे। तो यहाँ पर भी अमांडा की मदर उसको क्या कह रही है, डोंट ईट चॉकलेट अमांडा, रिमेम्बर योर एक्ने, अपने एक्ने। आपने देखा होगा कि यंग एज में जब हम ज्यादा चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं फिर बच्चे भी, तो उनके दाने निकल जाते हैं, यहाँ पे उसके एक्ने निकल जाएंगे। उसकी मदर कह रही है कि अगर आप ज्यादा मीठा खाओगे, ज्यादा चॉकलेट्स खाओगे तो अमांडा आपको एक्ने प्रॉब्लम हो जाएगी, एक्ने यानी कि आपके पिंपल्स निकल आएंगे। अमांडा विल यू प्लीज लुक एट मी, अब उसकी मदर क्या कह रही है कि अमांडा, क्योंकि अमांडा अपनी दुनिया में खोई है, क्योंकि ये ब्रैकेट्स में जो सेंटेंसेस हैं वो क्या बता रहे हैं, दैट शी इज कम्प्लीटली लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, शी इज नॉट पेइंग एनी अटेंशन, शी इज नॉट पेइंग एनी हीड टूवर्ड्स हर मदर, वॉट एवर इज गोइंग टू बी यू कैन से वॉट एवर इज बींग सेड टू हर, she is not paying any attention, she is not paying any heed towards that. उसकी तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनिया में है और वो अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। अब आप किसी को कुछ कह रहे हैं और वो आपकी बात को ना सुने, उसमें इंटरेस्ट ना ले, तो आपको बुरा लगेगा ना। तो इसी तरह से उसकी मदर को भी, उसकी मदर ने उसको इतने सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, ये करो वो करो, बट शी इज कम्प्लीटली लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड। सो दैट्स वाई वॉट हर मदर इज सेइंग, अमांडा Will you please look at me? क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? When I am speaking to you, Amanda, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या आप मेरी तरफ देखोगी? अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको भी मेरी तरफ देखना होगा। We will have the proper eye contact. तो शायद आपको मेरी बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी और मुझे भी ये समझ में आएगा कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं जब हम क्लासरूम में होते हैं।
तो बच्चे और टीचर्स और स्टूडेंट प्रॉपर आई कांटेक्ट रखते हैं। अगर आप मुझे नहीं देखेंगे, मैं इधर देख रही हूँ आप उधर देख रहे हैं, तो शायद हमें प्रॉपर चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो जब दो लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव अ प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट। सो द सेम इज अ मदर इज ऑल्सो सेइंग दैट लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। नाउ अगेन व्हाट, क्योंकि अभी तो मदर उसके इंस्ट्रक्शन दे रही है, और मैंने आपको पहले ही बताया जितने भी स्टेटमेंट अमांडा की तरफ से है वो यहाँ पे ब्रैकेट में है, क्योंकि वो फिजिकली अपनी मदर के सामने प्रेजेंट है, बट मेंटली शी इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, वो अपनी ही एक दुनिया में खोई हुई है। तो यहाँ पर वो क्या कह रही है, आई एम रुपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर। अब बेटा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो कैरेक्टर है इसको देखेंगे बेटा, ये रुपेंजल जो कैरेक्टर है ये फेरी टेल में जनरली ये कैरेक्टर आपने सुना होगा, स्पेशली जो जर्मन स्टोरीज हैं उसमें इस इमेजिनेटरी कैरेक्टर को ऐड किया गया, इन्वॉल्व किया गया है। रुपेंजल जो है एक ऐसी लड़की थी जिसको एक जादूगरनी ने अपने महल में, और आप कह सकते हो बड़े से टावर यानी कि किले में कैद कर दिया था, ठीक है। और वहां पर वो बच्ची बड़ी हुई, शी हैज बीन जस्ट कैप्टिवेटेड बाय दैट विच, उसको कैप्टिवेट किया गया था, बंदी बना के रखा गया था, और रुपेंजल कभी किसी से नहीं मिली। एंड दैट टावर इन विच देयर वॉज नो एंट्रेंस, उस टावर में कोई एंट्रेंस नहीं थी। वो विच भी जब वहां जाती थी तो उसके ब्लॉन्ड गोल्डन हेयर वो नीचे लटका देती थी टावर से, यानी कि टावर में एक विंडो बनी हुई थी, उस विंडो से रुपेंजल अपने हेयर को ड्रॉप करती थी, ठीक है ना, नीचे गिराती थी, और वो विच उस बाल के सहारे ऊपर चढ़कर आ जाती थी। यानी कि रुपेंजल पूरी लाइफ अपने अकेले उसी टावर में उसने स्पेंड किया, उसे कोई कुछ रेस्ट्रिक्शंस देने वाला नहीं था, समझ में आया। तो इसी तरह से अमांडा क्या चाहती है कि यहाँ पे रुपेंजल जो कैरेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आइसोलेशन को, आइसोलेशन यानी अकेलेपन को, एकांतपन को। जैसे रुपेंजल बिल्कुल उस टावर में बिल्कुल अकेली रहती थी, उसके साथ वहाँ कोई नहीं था, उसे वहाँ कोई कहने वाला, कुछ उसको रेस्ट्रिक्ट करने वाला, उसको इंटरोगेट करने वाला कोई नहीं था, उसी तरह से वो क्या अपने आप को इमेजिन कर रही है, दैट शी इज ऑल्सो लाइक अ रुपेंजल एंड आई हैव नॉट अ केयर, और उसे किसी भी बात की किसी भी तरह की कोई परवाह नहीं है। शी इज हार्डली बॉदरिंग अबाउट एनी वन, उसको किसी की भी कोई परवाह नहीं है। किसको, अमांडा को, किस तरह से, रुपेंजल की तरह से। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रियल, वो क्या कह रही है कि उस एक टावर में किस तरह से, इसको हम टावर बोलेंगे, उस टावर में रुपेंजल की लाइफ कैसे थी, ट्रैंक्विल कहते हैं बिल्कुल शांत, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। आपने देखा होगा हम कभी कभी मेडिसिन भी लेते हैं ट्रैंक्विलाइजर, जब हमें ज्यादा टेंशन होती है अपने दिमाग को शांत करने के लिए, तो ट्रैंक्विल में शांति, ठीक है ना। तो उस टावर में उसने अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल शांति में बिताई, अकेले में, उसकी लाइफ बहुत रेयर थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसने कहा कि वो भी बिल्कुल उसी तरह से शांति में जीना चाहती है, जहाँ उसको कोई भी आकर रोके टोके नहीं, उसको इंटरोगेट नहीं करे, उसको इंस्ट्रक्ट नहीं करे, उसे किसी भी काम में इंटरफेयर ना करे। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, अब वो कह रही है कि वो विच के लिए, कौन, रुपेंजल। अब उसने अपने आप को रुपेंजल से क्या अलग बताया कि जो रुपेंजल है वो तो जब विच को अपने पास, उसके पास कैसे पहुंचती थी, क्योंकि टावर में कोई एंट्रेंस तो था नहीं, शी सिंपली यूज टू ड्रॉप हर हेयर, और उसके हेयर्स के सहारे वो विच ऊपर चढ़ के जाती थी। लेकिन वो क्या कह रही है अमांडा कि मैं तो अपने हेयर भी, वो जो मेरे ब्राइट हेयर रुपेंजल की तरह अगर हुए तो मैं उसको कभी नीचे नहीं गिराऊंगी, यानी कि मैं अपनी लाइफ में नहीं चाहती कि कोई भी इंटरफेयर करे। रुपेंजल की लाइफ में कम से कम एक कैरेक्टर तो था, एक पर्सन ऐसा तो था जो उससे मिलने आ रहा है, उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहा है, वो कौन था, वो विच, जिसने उसको कैप्टिवेट किया हुआ था, जिसने उसको बंदी बना के रखा हुआ था। बट वो क्या कह रही है कि अगर वो रुपेंजल की जगह होती तो वो अपने बाल कभी नीचे नहीं गिराती, यानी कि वो
विच को अलाउ ही नहीं करती कि वो उसके पास आ सके. तो वॉट शी इज सेइंग दैट शी विल आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि मैं तो अपने हेयर कभी भी नीचे नहीं गिराती. यानी कि इवन शी इज नॉट गोइंग टू अलाउ एनी वन, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन टू एंटर इन हर लाइफ. वो नहीं चाहती कि उसकी लाइफ में, उसकी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति आए, चाहे उसके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, कोई भी इंटरफेरेंस करे. नाउ अगेन ये देखो आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया और फिर से उसके मदर का स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया. सो स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस अमांडा. अब उसकी मदर क्या उससे कह रही है, अमांडा स्टॉप दैट सर्किंग. सर्किंग मीन्स बीइंग सैड. मदर इज सेइंग डोंट बी सो सैड, इतना अनहैप्पी मत रहा करो. हमेशा जैसे कुछ बच्चे की आदत होती है मुंह लटकाए हुए टेंशन में बैठे रहते हैं, तो यहाँ पर उसकी मदर क्या कह रही है, स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस अमांडा. अमांडा डोंट बी सो सैड, इतना दुखी चेहरे के साथ मत बैठो. यू आर सो मूडी. मूडी यानी कि जो अनस्टेबल नेचर के होते हैं, कहते हैं ना वो बहुत मूडी है. मन हुआ तो काम कर देगी, मन हुआ तो बहुत अच्छा मूड है, नहीं तो बहुत इरिटेटेड एकदम से हो जाती है. सो वॉट हर मदर इज सेइंग दैट यू आर, यू यहाँ किसके लिए बेटा, अमांडा के लिए. यू आर सो मूडी अमांडा. अमांडा तुम बहुत ही मूडी हो, यानी कि बिल्कुल तुम्हारा अनस्टेबल नेचर है, पता ही नहीं चलता तुम कैसे कब रिएक्ट करने वाली हो. सो हर मदर इज सेइंग दैट स्टॉप बीइंग सो अनहैप्पी. ओके, हर मदर इज सेइंग बी चेयरफुल, खुश रहो, अच्छे से दिखो. ठीक है, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग एट यू अमांडा. कोई भी क्या सोचेगा कि मैंने शायद तुम्हें, कोई क्या सोचेगा कि मैंने शायद तुम्हें डांटा है. नैग मीन्स डांटना, झिड़की देना. सो वॉट हर मदर इज सेइंग दैट इफ शी विल जस्ट बी सो सैड एंड शी विल नॉट बी चेयरफुल, देन वॉट अदर पीपल विल थिंक, क्या सब लोग सोचेंगे कि उसकी मदर उसको हमेशा डांटती रहती है. शी इज ऑलवेज बींग स्कॉल्डेड बाय हर मदर. ओके, कॉन्टिन्यूसली हर मदर यूज टू टॉर्चर हर और जस्ट क्रिएट ट्रबल्स फॉर हर. सो वॉट हर मदर इज सेइंग टू बी हैप्पी एंड बी चेयरफुल. समझ में आया बेटा, तो अभी कोई डाउट तो नहीं है. दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम. सो जस्ट हैव अ वंस अगेन रिविजन ऑफ द मेन पॉइंट ऑफ द पोएम. लेट्स हैव द रिविजन. लेट्स गो थ्रू टू द मेन पॉइंट ऑफ द पोएम. The little girl Amanda is biting her nails and her mother is asking her not to do it. And she is not sitting properly. Uska sitting posture hai, wo bhi theek nahi hai. So, and she is just stooping forward, yani aage ki taraf jhuk ke baithi hui hai. Her mother asks her to sit straight. Ki seedhe baitho Amanda, sit properly. Amanda doesn't bother. Ab maine pehle hi bataya tha, Amanda jo hai, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ क्या कह रही है, लोग उसे बार बार क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. तो शी इज नॉट बोदरिंग अबाउट व्हाट हर मदर इज सेइंग. शी इज कम्प्लीटली लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. नाउ शी विशेस टू लिव पीसफुली. वो क्या है, बहुत शांति से जीना चाहती है, रहना चाहती है. इन द सी लाइक अ मरमेड. जिस तरह से समुद्र में, मैंने आपको बताया था कि एक इमेजिनेटरी करेक्टर है, इमेजिनेटरी सी क्रिएचर है मरमेड, तो वो उसकी तरह से बिल्कुल फ्रीली रहना चाहती है. शी वॉन्ट्स टू ड्रिफ्ट ब्लिसफुली. देन हर मदर आस्क हर इफ शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क. अब उसकी मदर फिर उससे कहती है कि अगर उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है तो वो अपना रूम नीट एंड क्लीन कर ले और अपने शूज को भी साफ कर ले. बट अमांडा इज नॉट paying any heed towards her mother's word. लेकिन वो तो अपने ख्याल में खोई हुई है, उसकी मदर उससे जो कुछ कह रही है उसका ध्यान उस तरफ बिल्कुल भी नहीं है. She is just lost in her own fancies and dreams. She prefers to be orphan than living such life of restriction. वो क्या पसंद कर रही है कि वो restrictions भरी जिंदगी से अच्छा है कि वो एक orphan की तरह जिए. एंड विश टू रोम एमलेसली, यानी कि वो इधर उधर घूमे जहां पे कोई से रोके टोके नहीं. शी लव्स टू हैव साइलेंस एंड फ्रीडम इन हर लाइफ. वो क्या चाहती है अपनी लाइफ में, साइलेंस, ठीक है ना, और फ्रीडम, क्योंकि वो चाहती है कि ना तो कोई उससे कोई बोले और ना ही कोई उसकी फ्रीडम में इंटरफेयर
करें. लेट्स मूव अहेड. हर मदर आस्क्ड हर नॉट टू ईट चॉकलेट्स एज इट मे कॉज एक्ने प्रॉब्लम. उसकी मदर उसको मना करती है कि अमांडा डोंट ईट चॉकलेट्स, ज्यादा चॉकलेट मत खाओ अमांडा वरना तुम्हें एक्ने प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके. हर मदर आस्क हर टू बिहेव प्रॉपरली बट शी इग्नोर्स हर मदर. उसकी मदर उससे ये भी कहती है क्योंकि जब वो उसकी मदर उसको बोल रही है बट शी इज नॉट लुकिंग एट हर, वो उसकी तरफ नहीं देख रही है, शी इज नॉट लिसनिंग. सो दैट्स वाई हर मदर इज सेइंग बिहेव प्रॉपरली अमांडा. उसकी मदर क्या कह रही है, अमांडा ठीक से बिहेव करो बिकॉज शी इज जस्ट लिविंग इन हर ओन वर्ल्ड. क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है. शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज अ रैपुंज़ल हु लिव्स इन अ टावर इन पीस अवे फ्रॉम वर्ल्डली क्राउड. अब वो अपने आप को रैपुंज़ल, मैंने बताया भी था कि रैपुंज़ल एक कैरेक्टर है, फेयरी कैरेक्टर है जो कि उसकी स्टोरी भी मैंने बताई थी. हु इज हैविंग लॉन्ग हेयर, हु हैज बीन जस्ट कैप्चर्ड बाय अ विच एंड जस्ट कैप्टिवेटेड इन अ टावर, जिसको कहा एक टावर में बंद कर दिया गया था. वहां पे कोई एंट्रेंस नहीं था, कोई ऐसा पैसेज नहीं था जहां से कोई एंटर कर सके उस टावर में. वो विच कहां से आती थी, वो विच उसके बालों के सहारे ऊपर टावर पे चढ़ती थी. कैसे, वो अपने हेयर्स को नीचे गिराती थी, कैसे मतलब ड्रॉप कर देती थी और वो उसके सहारे ऊपर चढ़कर एंटर करती थी क्योंकि उस टावर में एंट्री का कोई भी पॉइंट नहीं था जहां से कोई अंदर आ सके. समझ में आया? तो इसका मतलब वो उसे अकेले रहने की आदत थी. तो शायद ऐसी ही लाइफ अमांडा भी अपने लिए चाहती है. कैसी लाइफ? लाइक द लाइफ रैपुंज़ल वॉज हैविंग. नाउ हर मदर आस्क हर टू बी हैप्पी एज पीपल विल थिंक शी इज ऑलवेज स्कॉल्डेड. अब उसकी मदर उससे क्या कहती है कि अमांडा तुम्हें खुश रहना चाहिए, तुम्हें चेयरफुल दिखना चाहिए. क्यों? जिस तरह से तुम हमेशा बहुत मूडी रहती हो, हमेशा तुम्हारा तुम अपसेट रहती हो, अपने में लॉस्ट रहती हो, तो लोग क्या समझेंगे कि मैं तुम्हारी मदर तुम्हें हमेशा डांटती रहती हैं, तुम्हें हमेशा नैग करती हैं. ठीक है? सो दिस इज द कंप्लीट समरी. उसकी मदर उससे क्या चाहती है, उसकी मदर भी चाहती है कि वो खुश रहे, इन्वॉल्व रहे उन लोगों के साथ फैमिली में, लेकिन अमांडा अपने में ही लॉस्ट रहती है. This is was all about the poem. Now, for first three stanza we have already done the extract based question. Now let's have the next stanza. From there, I am an orphan to sweet. The first question is, what does Amanda imagine? Amanda kya imagine kar rahi hai? So Amanda is imagining about kiske bare mein imagine kar rahi hai? About to be an orphan. Ki wo ek orphan होना चाहती है, वो कैसा जिंदगी जीना चाहती है, एक ऑर्फन की तरह जिसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करने वाला ना हो. व्हाट टाइप ऑफ लाइफ अमांडा वांट्स टू लीव, किस तरह की लाइफ चाहती है अमांडा. अमांडा वांट्स टू लिव अ लाइफ विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी इंटरफेरेंस. शी वांट्स टू लिव अ कंप्लीट फ्री लाइफ वेयर देयर इज नो वन टू आस्क हर एनीथिंग टू डू. ओके. नेक्स्ट, वाई डज शी विश टू बी एन ऑर्फन. वो ऑर्फन क्यों होना चाहती है, बिकॉज शी इज फेड अप टू गेट इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन फ्रॉम हर मदर साइड. वो अपनी मदर की तरफ से इतने सारे इंस्ट्रक्शन से फेड अप हो चुकी है और उसे ये सारे इंस्ट्रक्शंस, रूल, रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है. सो क्यों होना चाहती है ऑर्फन वो, बिकॉज शी डोंट लव to be restricted and instructed. ना तो उसे restrictions पसंद है, बंधन, और ना ही कोई उसे बार बार निर्देश दे, ये उसे पसंद है. ठीक है? Now the next paragraph, I am Rapunzel Amanda. ठीक है? बिल्कुल end है ये. So where does Rapunzel live? Rapunzel कहाँ रहती थी? Rapunzel lives in a tower. What type of girl is Amanda? Amanda किस तरह की लड़की है? Amanda is a very moody girl. ओके. अमांडा इज अ वेरी मूडी गर्ल हु लिव्स इन हर ओन वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, हु जस्ट लिव इन हर ओन फैंसीज एंड ड्रीम्स. ओके. नेक्स्ट, व्हाट डज हर मदर आस्क हर टू बी. उसकी मदर उससे क्या चाहती है. हर मदर आस्क टू बी हैप्पी एंड चेयरफुल.
उसकी मदर क्या चाहती है कि वो हैप्पी रहे, चेयरफुल रहे, एंड शी मस्ट बी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड एन ओबीडियंट चाइल्ड। समझ में आया बच्चों? इज देयर एनी डाउट? इफ देयर विल बी एनी डाउट यू कैन ड्रॉप द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन आस्क मी क्वेश्चन पर्सनली एज वेल एज यू कैन ड्रॉप द क्वेश्चन इन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। सो लेट्स सी द होमवर्क ऑल्सो, क्योंकि मैं आपको होमवर्क देने जा रही हूँ और इस होमवर्क को आप और ये जो गिवन क्वेश्चंस हैं इसे भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को भी आप अपनी फेयर नोटबुक में करने वाले हैं, करेंगे ना? तो जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू द होमवर्क, नोट डाउन द होमवर्क ऑल्सो। सो दिस इज योर होमवर्क। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज अमांडा आस्क्ड नॉट टू ईट चॉकलेट। आप लोग को तो पता ही है कि अमांडा से क्यों मना किया जा रहा है कि वो चॉकलेट ना खाए। यू नो द आंसर, वेरी गुड, because then otherwise she will have the acne problem. तो लिख लेंगे ना ये आंसर। Next, what is the fear of the speaker that is explained in the last stanza? अच्छा, last में जब poem जहाँ खत्म हो रही है वहाँ पर last line में उसने क्या कहा है? Otherwise people will think you are always mad. समझ में आया? अमांडा से उसकी माँ कह रही है ना, माँ कि भाई सब लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हें हमेशा डांटी पड़ती रहती है, लोग तुम्हें सब डांटते हैं, तुम्हें टॉर्चर करते हैं। तो ये फियर भी समझ में आ गया। आई एम गिविंग यू द क्लू। यस, व्हाई डज अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन? अमांडा ऑर्फन क्यों बनना चाहती है, क्यों वो चाहती है कि वो ऑर्फन हो जाए, सिर्फ पेरेंट्स के रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लिव अ फ्री लाइफ वेयर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, नो क्वेश्चन एंड नो इंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट, Why does Amanda's mother ask her to stop sulking? उसकी मदर उससे क्यों कहती है कि वो इतनी दुखी दुखी ना रहे, सैड ना रहे? अगेन क्यों? क्योंकि अदरवाइज लोग क्या सोचेंगे कि उसकी बहुत ज्यादा डांट पड़ती है, उसे हमेशा लोग डांटते हैं, उसको परेशान करते हैं। Next, why does Amanda want to be Rapunzel? उसकी वो अमांडा जो है रिपंजल क्यों बनना चाहती है? मैंने अभी बताया था क्योंकि रिपंजल की स्टोरी उसमें टू लाइन्स में एक्सप्लेन करेंगे। रिपंजल एक फेरी कैरेक्टर है जो कहाँ रहती थी, एक तार पे, बिल्कुल अकेले। उसे वहाँ पे किसी से कोई मतलब नहीं था, वो बिल्कुल अकेली रहती थी विदाउट एनी इंटरफेरेंस एंड रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना? उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, इसीलिए वो भी रिपंजल की तरह बिल्कुल अकेले रहना चाहती है। तो आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं, एंड नाउ यू कैन इजीली राइट दीज आंसर्स, क्वेश्चन आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर भी अगर आपको बेटा कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और ड्रॉप द मैसेज इन कमेंट बॉक्स और इन द व्हाट्सएप ग्रुप। इज देयर एनी डाउट स्टिल? नो, आई नो यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट नाउ। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। This is all about the lecture. We will just meet you in the next video. Till then, bye-bye.